हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। इसमें यूज़ होने वाले लॉन्च व्हीकल को LV-M3-M4 कहा जाता है। इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जा रहा है। LV-M3 में M3 का मतलब होता है Mach 3, जिसका मतलब है कि इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 3 गुना ज़्यादा होगी, और M4 का मतलब है कि मिशन 4। इससे पहले ये रॉकेट 3 मिशन को एग्जीक्यूट कर चुका है और ये इसका चौथा मिशन है, इसलिए इसे M4 कहा जा रहा है। इस रॉकेट के अगर पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट रॉकेट होता है S-200 सॉलिड बूस्टर रॉकेट, जो कि सॉलिड फ्यूल पे काम करता है। सॉलिड फ्यूल की खासियत यह है कि ये एक बार बर्निंग स्टार्ट अगर हो गई तो ये फिर कंटिन्यू चलता रहता है जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। सेकेंड जो रॉकेट है उसका नाम है L-110 लिक्विड स्टेज, जो कि लिक्विड फ्यूल पे काम करता है। फ्यूल लिक्विड होने की वजह से इसके फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है, जिसकी वजह से इसके थ्रस्ट को भी कंट्रोल किया जा सकता है। जो हमारा थर्ड रॉकेट है वो है C-25 क्रायोजेनिक स्टेज। ये रॉकेट का इंजन क्रायोजेनिक फ्यूल पे काम करता है, जिसमें कि हाइड्रोजन गैस जो कि एक फ्यूल है और ऑक्सीजन गैस दोनों को लिक्विड फॉर्म में बहुत ही लो टेम्परेचर पे स्टोर करके रखा जाता है। इस रॉकेट का थ्रस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है और एनर्जी डेंसिटी सॉलिड और फ्यूल के कंपैरिजन में बहुत ही हाई होती है। हमारे रॉकेट का फोर्थ पार्ट है पेलोड फेयरिंग। इसी पेलोड फेयरिंग में हमारा जो सैटेलाइट है उसे प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। ये सैटेलाइट में 2 पार्ट होते हैं, लैंडर जिसमें रोवर होता है और प्रोपल्शन मॉड्यूल। हमारा जो इग्निशन स्टार्ट होता है वो S-200 रॉकेट इंजन मॉड्यूल से स्टार्ट होता है। कुछ हाइट पे जाने के बाद हमारा L-110 रॉकेट इग्नाइट होता है और S-200 रॉकेट सेपरेट हो जाता है। सेकेंड स्टेज में पेलोड फेयरिंग होती है और सैटेलाइट के ऊपर का कवर हट जाता है। सेकेंड स्टेज में हमारा L-110 रॉकेट सेपरेट हो जाता है और C-25 थर्ड स्टेज रॉकेट इग्नाइट होता है। थर्ड स्टेज में C-25 रॉकेट बंद होता है और सैटेलाइट सेपरेट हो जाता है। यहाँ दिए गए नॉमिनल फ्लाइट सीक्वेंस की मदद से हम इस पूरे सीक्वेंस को समझ सकते हैं। तीनों रॉकेट इंजन के सेपरेट हो जाने के बाद सैटेलाइट में मौजूद प्रोपल्शन मॉड्यूल कमांड ले लेता है तथा अर्थ का ऑर्बिट का चक्कर लगाता है। अर्थ के लगभग 5 रिवोल्यूशन करने के बाद ये अपने थ्रस्ट की मदद से मून के ऑर्बिट में एंटर करता है। हम चाहें तो इस डायग्राम के माध्यम से इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल का मेन फंक्शन अर्थ के ऑर्बिट से लैंडर को मून के ऑर्बिट में एंटर कराना तथा मून के सरफेस से 100 किलोमीटर के रेडियस तक उसको लेके आना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल सैटेलाइट को मून के ऑर्बिट में एंटर करा देता है। मून के ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए सैटेलाइट जैसे ही मून के सरफेस के 100 किलोमीटर के रेंज में आता है तो सैटेलाइट में मौजूद लैंडर उस प्रोपल्शन मॉड्यूल से सेपरेट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लैंडर विक्रम ऑर्बिटर यानी प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो चुका है और अपने ही थ्रस्ट से उस ऑर्बिट को छोड़ देता है और मून की तरफ डिसेंड करने लगता है। मून की तरफ डिसेंड करते हुए ये मून के सरफेस को स्कैन करता है और सही लोकेशन पा लेने पर वहाँ पर लैंड के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही विक्रम मून के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करता है वो अर्थ के साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है। लैंड करने के तुरंत बाद लैंडर के अंदर मौजूद रोवर बाहर निकलता है और मून के सरफेस पे रोम करने लगता है। आइए जानते हैं प्रीवियस चंद्रयान मिशंस के बारे में। चंद्रयान 1, जो कि 2008 अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था, उसमें केवल एक ऑर्बिटर ही एज ए सैटेलाइट था। उस सैटेलाइट से एक इम्पैक्ट प्रोब ने मून के सरफेस की तरफ डिसेंड किया और मून के सरफेस को हिट किया था, ताकि हम वहाँ के केमिकल कंपोजिशन के बारे में पता लगा सकें। यह मिशन लगभग 1.5 साल तक चला था और इसने जो हमारा ऑब्जेक्टिव था उसको फुलफिल किया था। इसी ने हमें वाटर वेपर और मिनरल्स की प्रेजेंस बताई थी मून के सरफेस पर, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इसके बाद चंद्रयान 2, यह मिशन
जुलाई 2019 में स्टार्ट हुआ था। इस मिशन में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों एक सैटेलाइट में थे। इस मिशन में ऑर्बिटर सक्सेसफुली मून के ऑर्बिट में प्लेस हो गया था और उसमें मौजूद 8 पेलोड्स फंक्शन प्रॉपरली कर रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली जो लैंडर जब ऑर्बिटर से रिलीज हुआ तो लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बजाय वो सॉफ्टवेयर ग्लिच होने की वजह से क्रैश हो गया और लैंडर में मौजूद रोवर लैंडर से डिटैच नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मून के सरफेस की फर्दर स्टडीज़ नहीं की जा सकी। इसी फेलियर को सक्सेस बनाने के लिए फिर से चंद्रयान 3 मिशन के रूप में इसको तैयार किया गया है। चंद्रयान 3 सैटेलाइट में मौजूद लैंडर में जो रामबा प्रोब इंस्टॉल किया गया है वो मून के सरफेस पर प्रेजेंट प्लाज्मा जैसे कि आयंस या इलेक्ट्रॉन्स उसकी डेंसिटी को पता लगाएगा और टाइम के साथ वो कैसे चेंज हो रहा है उसके बिहेवियर को भी ऑब्जर्व करेगा। क्योंकि ये लैंडर मून के साउथ पोलर रीजन में लैंड करेगा तो वहाँ की थर्मल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करेगा और नियर बाय सिस्मिक एक्टिविटीज़ को भी वो मेजर करेगा। लैंडर के मून सरफेस पर लैंड करने के बाद उसमें से रोवर मून के सरफेस पर बाहर निकलेगा और लूनर सरफेस के केमिकल कंपोजिशन को ऑब्जर्व करेगा। लूनर सरफेस में प्रेजेंट जो एलिमेंट्स हैं जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिका, पोटेशियम, कैल्शियम, इनके कंपोजिशन को भी जानने की कोशिश करेगा। हम जानते हैं कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर सक्सेसफुली मून के ऑर्बिट में इंस्टॉल हो गया था इस और उसमें प्रेजेंट 8 पेलोड्स मून के सरफेस को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसलिए चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल में कि बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं लगाए गए हैं, बट एक स्पेशल इक्विपमेंट जिसका नाम है शेप स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, ये लगाया गया है। इसका मेन फंक्शन अर्थ से आने वाली लाइट के स्पेक्ट्रम को मॉनिटर करना है। हम जानते हैं कि किसी भी हैबिटेबल प्लैनेट के रिफ्लेक्ट करने वाली लाइट का स्पेक्ट्रम कुछ डिफरेंट बिहेव करता है, इसलिए उसकी स्टडी को ये मॉनिटर करेगा। मून के सरफेस पर लैंड करने वाले लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ 1 लूनर डे है, जो कि हमारे अर्थ के 14 दिन के बराबर होता है। इसका मतलब 14 दिन तक ये मून के सरफेस और वहाँ के एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करेगा और यूजफुल इन्फॉर्मेशन अर्थ तक कम्युनिकेट करेगा। इसी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हम मून जैसे अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के और जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं।